एक्सट्रीम एंड बेस्ट टॉपिक है, उसमें मैं सबसे पहले तो डेफिनेशन आई देती हूँ। तो डेफिनेशन ये कहती है कि अगर बी जो है आपके पास कोई इंटीजर है तो ये डिविजिबल होगा किसी दूसरा इंटीजर ए जो है, ये भी इंटीजर है तो ये जो ए है ये डिवाइड करेगा बी को, डिविजिबल है, ठीक है। बी जो है वो डिविजिबल है ए के, ए से। तो हम इसके अगर मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो हम लिखते हैं ए डिवाइड बी इस तरह, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ए जो है वो डिवाइड करता है बी को, ठीक है। इफ़ अगर इफ़ देयर एग्जिस्ट एन अदर इंटीजर सी सच दैट, ये इसको डिवाइड करेगा, अगर जो है आपके पास कोई एक दूसरा इंटीजर सी है और इक्वेशन आपकी कुछ इस तरह बनेगी बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो अगर ये डिवाइड नहीं करता तो ए के ऊपर ऐसे लाइन लगा देंगे, जो लाइन आ रही है इसका मतलब है डज नॉट डिवाइड, ठीक है। ऊपर का मतलब था कि डिवाइड करता है, इसका मतलब है डिवाइड नहीं करता। तो आपका ये जो ए है ये इसको डिवाइड करेगा, यहाँ पे सी कुछ ऐसा एलिमेंट रखेंगे कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। अब जिस तरह हम कहें कि फोर जो है वो डिवाइड करता है, अब जैसे हम कहें कि हमारे पास फोर जो है वो डिवाइड करता है माइनस ट्वेल्व, ठीक है। अब ये जो है इसको हम अगर इस फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखा जा सकता है, माइनस ट्वेल्व इस साइड पर आएगा, जो नीचे होगा वो आपका लेफ्ट साइड पर चला जाएगा। यहाँ पे जो ए है वो फोर है। अब यहाँ पे आपने कोई सी ऐसा नंबर रखना है कि ये जो कंडीशन में सेटिस्फाई हो गई। तो अगर हम सोचें तो हमारे पास माइनस थ्री यहाँ पे रख दें तो यहाँ पे भी माइनस ट्वेल्व आ गया, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो फोर है वो डिवाइड करता है माइनस ट्वेल्व को, ठीक है। तो ये छोटी सी डेफिनेशन सी डिविजिबिलिटी।